भाइयों बहनों और मेरे सभी मित्रों, भोजन को शुद्ध पौष्टिक हितकर व सात्विक बनाने के लिए हम जितना ध्यान देते हैं उतना ही ध्यान हमें भोजन बनाने के पात्रों पर भी ध्यान देना चाहिए। भोजन जिन बर्तनों में पकाया जाता है उन बर्तनों के गुण, उन धातुओं के गुण भोजन में आ जाते हैं। अतः भोजन किस प्रकार के बर्तनों में बनाना चाहिए अथवा किस प्रकार के बर्तनों में हमें करना चाहिए, इसके लिए भी शास्त्रों के निर्देश दिए गए हैं। स्वर्ण पात्रों में भोजन करने से युवावस्था बनी रहती है और आंखों का तेज बढ़ता है। चांदी के बर्तनों में, रजत पात्रों में आंखों की शक्ति बढ़ती है इसका भोजन करने से, और बात पित्त और कफ नियंत्रित रहता है। कांसे के बर्तनों में भोजन करने से बुद्धि बढ़ती है और रक्त शुद्ध होता है। लोहे के बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, इससे बुद्धि का नाश होता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन बुद्धि नाश का दोष तो नहीं करते, इसलिए इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। एल्यूमिनियम के बर्तन में ना तो खाना बनाना चाहिए और ना खाना खाना चाहिए, इससे बहुत सारे रोग हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। मिट्टी के बर्तनों में भोजन करने से लक्ष्मी का नाश होता है, और लकड़ी के बर्तनों में भोजन करने से भोजन के प्रति रुचि तो बढ़ती है लेकिन कफ का भी नाश होता है। केले के पत्ते, बड़के पत्तों से बनी हुई पत्तल, ढाके बने हुए पत्तों से पत्तल पर भोजन करने से रुचि पैदा होती है और जठराग्नि को प्रज्वलित करने में सहायता मिलती है, जहर तथा पाप नाश होता है। पानी के लिए ताम्रपात उत्तम है, तांबे का गिलास, यह न उपलब्ध हो तो मिट्टी के बर्तन में पिया जा सकता है। पेय पदार्थ, पीने वाले पदार्थ जो हैं चांदी के बर्तन में लें, लेकिन लस्सी और खट्टे पदार्थ न लें। लोहे के बर्तन में भोजन पकाने से सूजन और जॉइंटेस पीलापन नहीं रहता है, शक्ति बढ़ती है, पीलिया रोग में भी लाभदायक है। तो मित्रों, ये थोड़ी सी जानकारी आपको दी, आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार। नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा, कल्याण।